प्यार तो आसानी से हो जाता है जनाब, लेकिन प्यार को निभाने में पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो शायद प्रेमवासी ही जानते होंगे। जब प्यार की शुरुआत होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पुराना होता है। ठीक वैसे ही प्यार के रंग फीके पड़ने लग जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें तो वो बहुत जल्दी ही रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, मगर जब इसे बना कर रखने की बात आती है तो दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से शिकायत रहती है कि अब तुम में वो पहली वाली बात नहीं रही, अब तुम ऐसा नहीं करते वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि बदलना तो प्रकृति का नियम है। इस तरह की शिकायत अक्सर गर्लफ्रेंड को अपने पार्टनर से रहती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बॉयफ्रेंड अब वैसा नहीं रहा जैसा वो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में था। वहीं लड़कों को अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि लड़कियां कहती कुछ और हैं और चाहती शायद कुछ और हैं। वहीं लड़के अपने गर्लफ्रेंड्स की कुछ इच्छाएं कभी नहीं पूरी कर पाते। जी हाँ, भले ही आप अपनी गर्लफ्रेंड को कितना भी प्यार करें, भले ही वो आपके कितने करीब ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी कुछ इच्छाएं, कुछ फरमाइशें, कुछ ख्वाहिशें जो पूरा करना आपके बस में नहीं है। हालांकि इस मामले में रिश्ता चलाने के लिए लड़की को भी थोड़ा समझदार बनना पड़ता है। खैर छोड़िए सारी बातें, आइए जानते हैं कौन सी हैं वो इच्छाएं। जी हाँ, बात करते हैं पहली इच्छा की। लड़की के भी दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। लड़की में ये फैक्ट्स होते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखने के लिए अपने हाथों से उनकी पसंद का खाना खिलाती है। लड़कियां भी फूडी मिजाज की ही होती हैं, तो इनके मन में हमेशा ये इच्छा रहती है कि उनके बिना कहे उनका बॉयफ्रेंड भी उनकी पसंद का खाना बनाकर अवश्य खिलाए। मगर बहुत ही कम लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरी, यानी शॉपिंग की, तो बात ही अलग है। लड़कियां कितना शॉपिंग करती हैं ये तो लड़कों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हर कोई जानता है भले ही वो अपनी सहेलियों के साथ कितनी भी शॉपिंग कर ले, मगर अक्सर वो चाहती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिना बोले उसे शॉपिंग पर ले जाए। लेकिन अक्सर लड़के बोर होने के डर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाने से मना कर देते हैं। वही बात करें तीसरी इच्छा की, यानी किताबें बहुत पढ़ी होंगी मगर कोई चेहरा तो पढ़ के जाने। जी हाँ, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि जब बिना कहे उनका पार्टनर उनके मन की बात समझ जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो अक्सर रिश्ते में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। वही बात करते चौथी इच्छा की, क्या तुम्हें याद है। ये डायलॉग तो आम है, लेकिन लड़कियों की हमेशा आदत होती है कि हर छोटी छोटी बात को याद रखना, हर जरूरी तारीख को याद रखना। वो पहली बार की मुलाकात सब लड़कियां याद रखती हैं, मगर अक्सर लड़के सारी बातें भूल जाते हैं। वही बात करते हैं आखिरी इच्छा, यानी गिफ्ट्स। इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़कियां चाहती हैं कि हर खास मौके पर उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट देकर उनका पार्टनर उन्हें स्पेशल फील कराए। हालांकि इसमें फूलों का गुलदस्ता या कोई भी गिफ्ट शामिल हो सकता है। अगर आप भी करेंगे इन पांचों इच्छाओं की पूर्ति तो आपकी कभी भी रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होगी। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।